अगर आप एक फैमिली पर्सन हो, दो बच्चे हैं, वाइफ, ये सोच के आओ कि यार अकेले से घर चल जाएगा, पार्टनर को भी रेडी करवाओ, दोनों जन मिलके काम करना ही पड़ेगा। रही बात सैलरी की, एक और क्वेश्चन मुझे ये था कि यार काफी वर्किंग प्रोफेशनल लोग हैं जो 10 साल 12 साल 15 साल काम कर चुके हैं और अब वो सोच रहे हैं यार जर्मनी अगर हमें डायरेक्ट नौकरी नहीं मिल रही है तो चलो पढ़ाई के बहाने ही हम पहुंच जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे ही क्लास में सिंस अगेन MBA एक ऐसा कोर्स है जिसमें वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, मेरे ही कोर्स में कुछ जन हु आर इन देयर 40s, आई नो ऑफ पीपल हु हैव एटलीस्ट 15 इवन 20 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस हु आर इन माय क्लास एंड दे आर डूइंग एन MBA। एंड अगेन बीइंग एन MBA दूसरे देश के लोग भी हैं, इट्स नॉट जस्ट जर्मन्स या इंडियन नहीं है, तो बहुत देश के लोग आते हैं जो अपने 40s में 50s में भी MBA करते हैं अपस्किल करने के लिए या जर्मनी में इजी एंट्री इनटू द जॉब मार्केट के लिए, क्योंकि यहाँ की पढ़ाई जब आपको होती है इट ब्रिंग्स इट्स ओन सेट ऑफ वैल्यूज अलोंग विद इट, तो आपको जॉब मिलना और थोड़ा तो आसान होता है। तो आप भी 5 साल का एक्सपीरियंस लेके आए थे राइट? तकरीबन हाँ। एक और क्वेश्चन ये हो जाता है कि यार क्या इतना मतलब अगर मेरे को 10 साल 12 साल बाद में जब डिसाइड करूं कि यार अब जाता हूं मैं MBA करने तो उतना बड़ा गैप हो गया है मेरे लास्ट स्टडीज से, डज दिस अफेक्ट द एडमिशन प्रोसेस? In your experience? It might not affect the admission process that much. At least it affects it positively because they need the experience. They need someone who can understand the courses and the cases that the teachers in the courses. So, वो तो आपके benefit में आपके favor में काम करती है. लेकिन हाँ ये तो ज़रूर है कि मेरा ही अगर मैं अगर बोलूँ 5 साल almost मुझे हुए थे. शुरू के semester में थोड़ा दिक्कत तो होती है. You know to get back into the student mode, पढ़ाई करने के लिए, exam के लिए prepare करने के लिए. तो you sort of lose touch of that. Right. तो उसमें थोड़ी तो दिक्कत होती है, but then I think you get adjusted to it. Mind gets adapted and it gets easier. एक और question मेरा ये है कि यार when you are like 10 years experience या 15 साल experience और आप एक ना अच्छे मुकाम पे पहुंच गए हो एक जिंदगी के right? आप एक पैसा भी अच्छा कमा रहे हो, opportunity भी अच्छी मिल रही है, आप कहीं ना कहीं अच्छे position पे काम कर रहे हो right? आपकी family होती है, हो सकता है बच्चे भी हो आपके, तो ऐसे time पे ये decision लेना कि यार चल मैं वो life छोड़ता हूँ और मैं आता हूँ जर्मनी, आपको ऐसे लोगों को क्या कहना है, मतलब should they take this leap of faith come to Germany? See, I think a leap of faith is called a leap of faith for the same reason. कि आप सोचते हो कि यार मैं करता हूँ शायद इससे कुछ अच्छा निकले, तो जरूरी है because despite the fact that you could have a good life, again वो personal choice है. Right. You know, किसी के अगर life अच्छी चल रही है, घर है, बच्चे हैं, comfortable job है, everything's going well, it's not you know an option that they really need to consider. लेकिन अगर कोई है जो अपने job से खुश नहीं है, they want to experience let's say a life in Europe, they also want to upskill you know during that process, then of course करना चाहिए. Yes, वो leap of faith ही होती है, you rightly you know tagged it, but I think वो जरूरी है, कभी कभी वो leap of faith लेना जरूरी होता है, वरना इंसान stagnant भी हो सकता है. That's true, that's true. Have you met people जिन्होंने ऐसा jump मार के आए हैं यहाँ पर ये risk लेके? I definitely have. I have some people in my MBA. I have people from different countries back in Asia, जो हैं इधर अंदर early 40s, somewhere in their late 40s, जिन्होंने 15 साल, 10 साल, 20 साल भी काम किया है, उतना work experience है उनके साथ. और फिर यहाँ और फिर यहाँ आए हैं, MBA कर रहे हैं, कोई दूसरा कोर्स कर रहे हैं, तो ऐसे भी लोग हैं. कुछ हैं जो फैमिली के साथ आए हैं, कुछ हैं जो यू नो अपनी फैमिली को अपने देश छोड़ आए हैं, दे कीप विजिटिंग. एवरीवन हैज देयर ओन सेट ऑफ चैलेंजेस आई एम श्योर, बट दे ऑल अगेन बिलीव इन दैट लीप ऑफ फेथ के वंस वी आर डन विद एन MBA, वंस वी डू गेट अ जॉब, आई थिंक लाइफ इज गोना बी गुड विद आवर फैमिली हियर. तो वो होता है. आपके केस में जैसे कि आपने MBA किया हुआ है, आपको कितना सैलरी मिल जाएगा फुल टाइम नौकरी करने जाओ तो? बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है बिकॉज अगेन फैक्टर्स बहुत सारे हैं. सिटी पे जाता है, टाइप ऑफ फील्ड, प्रोफाइल, सब कुछ. बट एक रफ आइडिया बताओ अपने साइड. आई थिंक आइडियली एनीथिंग एज एन MBA, एनीथिंग ओवर लेट्स से 50,000 पर ईयर इन दिस, यस मिनिमम इन एंड अराउंड न्यूनबर्ग, इन द ग्रेटर न्यूनबर्ग मेट्रोपॉलिटन एरिया, अ लिटिल ओवर 50,000 शुड बी एन आइडियल स्टार्ट फॉर समवन विद एटलीस्ट 2-3 years ऑफ एक्सपीरियंस इन एन MBA स्पेसिफिक जॉब वेयर ही इज इनटू मैनेजमेंट. इतना तो एक्सपेक्ट करके चलना चाहिए. ऑफ कोर्स देयर आर रीजंस लाइक म्यूनिक जहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग भी ज्यादा है, इसकी वजह से कंपनीज जो म्यूनिक में हायर करती हैं समटाइम्स आल्सो डू फैक्टर इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड यू नो पे स्लाइटली हायर, बट दैट्स आई थिंक वेरी मच फोकस्ड इनटू जस्ट म्यूनिक. न्यूनबर्ग में ऐसा उतना तो है. बट अगर मेरे पास 10 साल का एक्सपीरियंस
होगा तो ऑफ कोर्स 50-60 हज़ार यूरो तो बहुत ही कम है ना। बहुत कम है, तो वो भी डिपेंड करता है। अगर आप वो शायद वही बोल रहे हैं, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर डायरेक्टली, बिकॉज कुछ कंपनियां आपका आउट ऑफ जर्मनी या आपका ओवरऑल वर्क एक्सपीरियंस देख के भी आपको हायर कर सकती हैं एट अ हायर पे स्केल, मे बी 70-75-80, वी डोंट नो, बट देयर कुड ऑल्सो बी सम हु फॉर देयर ओन बेनिफिट्स कैन से यू डू नॉट हैव वर्क एक्सपीरियंस इन यूरोप और जर्मनी एंड देन यू नो हायर यू एट अ लोअर पे स्केल। तो ये भी होता है, ये हो रहा है, तो ये पॉसिबिलिटीज हैं। 2-5 साल का अगर एक बंदा एक्सपीरियंस लेके आ रहा है तो 50-60 or 65 इज अ गुड स्टार्ट। यस, इट्स अ गुड स्टार्ट, यस, राइट। बट लाइक एक 10-15 साल का एक्सपीरियंस लेके आ रहा हूं तो आई थिंक मैंने उसके चैलेंजेस भी देखे कि यू आर जस्ट टू मच क्वालिफाइड फॉर द जॉब। एग्जैक्टली। और सेकंड, यू बिकम काइंड ऑफ एक्सपेंसिव फॉर अ स्टार्टअप आल्सो इफ यू आर अप्लाइंग। 100%। तो फिर आपको सिर्फ बड़े कंपनीज में ही अप्लाई करना पड़ता है या मिड स्केल कंपनीज में अप्लाई करना पड़ता है, दैट टू ऑन अ मिड लेवल डेजिग्नेशन। लोअर पे तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। जो नहीं कर पाते, और कई बार ऐसा एक्सपीरियंस जो तुमने अपने इंडिया में ले रखा है बट वो कंपनी का मार्केट नहीं है वो, और उनको डेवलपिंग कंट्रीज में नहीं जाना है तो उनके लिए वो रेलेवेंट नहीं है, तो आप परफेक्ट फिट नहीं होते उनके लिए। बट या आप अगर इतने साल के एक्सपीरियंस के साथ आ रहे हो तो 6-digit सैलरी एक्सपेक्ट करना इज अ बेयर मिनिमम थिंग, और इफ उसके नीचे है देन इट बिकम्स क्वाइट अ बिट ऑफ चैलेंज। इफ यू ऑल्सो हैव योर फैमिली विद यू, इट्स क्वाइट हार्ड टू सस्टेन योर फैमिली। आई थिंक व्हाट वी आर ट्राइंग टू टेल यू इज, अगर आप एक फैमिली पर्सन हो जिसके दो बच्चे हैं, वाइफ, और आप ये सोच के आओ कि यार अकेले से घर चल जाएगा, वो तो पॉसिबल नहीं है शायद से। अपने पार्टनर को भी रेडी करवाओ कि यार दोनों जन मिलके काम करना ही पड़ेगा बेसिकली। रही बात सैलरी की, आई थिंक अगर आप इफ यू आर समबडी विद ओवर अ डेकेड ऑफ एक्सपीरियंस, आई थिंक 75-80-85 thousand बेर मिनिमम आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। मैं म्यूनिक की बात नहीं कर रहा इस केस में, जस्ट टू क्लैरिफाई। इन अ स्मॉल टाउन में भी जहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग ज्यादा नहीं है वहाँ पे यू कैन सफाइस विद 80,000। बट अगर आप म्यूनिक, फ्रैंकफर्ट जहाँ ऐसे सिटीज में सोचो तो ये इम्पॉसिबली कह सकते हैं हम लोग।